सिंगर हैं, जितने भी भोजपुरी में लोग हैं वो सारे लोग मुझे जानते होंगे। एक छोटे से फ्लैट में अखिलेश कश्यप रहता था जब मेरा लहंगा लखनऊआ गाना आया था, और उसके बाद ये 3 साल में आज एक राइटर भोजपुरी में फॉर्चुनर से चलता और 1 करोड़ से ऊपर का घर बनाया है। तो हमारा अपना जिंदगी में ये लिखे बताए कि एगो सुपर स्टार हम नहीं खाती का के लेबे, हमारे लिए हमारे माँ बाप के बाद अगर हमारे लिए सर्वोपरि कोई है तो हमारे लिए भैया है। आज सब लोगों के सामने बोल रहे हैं क्योंकि एक राइटर की वजूद क्या होती है, और एक राइटर को मंच पे लोग भुला के पहचान देने लगे तो भैया का ही देने। शुरू से ही राइटरों को बताते थे कि ये हमारे राइटर है, आज इनके सर जितने भी राइटर हम लोग हैं सब लोग का एक अपना अपना वजूद है। तो एक राइटर को मंच पे बुला के सब लोग आज भोजपुरी में आपकी वजह से सम्मान देने लगा भैया। तो मुझे इस बात का भी खुशी हुआ कि एक राइटरों का भी वजूद बना दीजिए आपने, कि आपके वजह से आपको देख के ही सही सारे राइटरों को लोग मंच पे आज बुला के तो बोल रहे हैं कि हमारे राइटर है, और राइटर भी बोल रहे हैं कि हमारे भैया है। तो एक दिल से जो हमारी जो निकलेगी ये जितनी भी बातें वो हमने सच बोला है, और कोई कोई लोग होते हैं कि जो बनावटी भी बोल देते हैं। तो जो मुझे बक्सर जिला के होंगे, जो मुझे नजदीक से जानते होंगे, तो सारे लोगों को पता है कि अखिलेश कश्यप की औकात क्या थी और आज एक राइटर के लेवल में कहाँ है। तो मैं आपका कद आजीवन निभाऊंगा और आजीवन आपके साथ काम करूंगा, और ऐसे ही आप जितने अपने लोगों का ख्याल रखते हैं आजीवन रखते रहिए। थैंक यू सो मच भैया। जिंदगी में एक चीज हमेशा, जितने लोग यहाँ आए हैं, जो भी कलाकार बंधु है, हमारे यूट्यूबर भाई हैं, मीडिया कर्मी, चाहे जो भी है, जिंदगी में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मुझे भी कुछ मिला नहीं था। मैं आज भी बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि सारी अपनी गरीबी की प्रचार करते हैं। नहीं, मैं अपनी गरीबी का प्रचार नहीं करता, मैं अपनी गरीबी बताता इसलिए हूँ ताकि आप भी उस जगह पे हो, आप भी खेसारी बन सकते हो। बस हिम्मत मत हारना, और कुछ बनने के लिए कुछ मत करना, करते जाओ बनते जाओगे। मैंने यही किया था।